मैं आपको दोस्त डॉक्टर सुमित, आज मैं आपको बताऊंगा केनिया में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हाइजेनिक प्रोडक्ट कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। हमारी कंपनी जो सुप्रिया ग्लोबल एजीम कंपनी, 2 दिन की वर्कशॉप लगाती है, दिल्ली में रेगुलरली होती है और देश के अलग अलग सिटी में टाइम टू टाइम होती रहती है। दोस्तों पहले दिन हम इंडिया के रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, इंडिया में लाइसेंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे अपने सामान को, सैंपल को भेजा जाता है, कैसे लॉजिस्टिक के थ्रू, शिपिंग के थ्रू या प्लेन के थ्रू, बाय एयर अपने आप सामान को भेज सकते हैं। दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट तरीके बताते हैं जिससे आप बायर और सेलर ढूंढ सके हो और ये पता लगा उसको ये बायर असली है या डिफॉल्टर है या जेन्युइन है। हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड करते हैं अपनी वर्कशॉप में, 2 दिन की वर्कशॉप में दोस्तों, जिसमें आप सारे लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जब वो बन जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएंगे, आपको किसी के पास भी दोस्तों जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सेकंड जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हैं उस देश का क्वालिटी स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका कंसाइनमेंट इम्पोर्टिंग कंट्री में रिलीज होगा। हम यहाँ तो अपना सामान भेज देंगे लेकिन वहाँ पर आपका सामान रुक जाएगा, तो उस देश के रूल रेगुलेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये सेकंड डे हम बताते हैं। दोस्तों कुछ साइंटिफिक तरीके बताते हैं दोस्तों पैकेजिंग के, जिसके थ्रू आप पैकेजिंग करेंगे तो आपका सामान लंबे समय तक दोस्तों खराब नहीं होगा। दोस्तों आज बता रहा हूं आपको केनिया के अंदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और हाइजेनिक जो है मेडिकल फील्ड में यूज होती है वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, केनिया की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, मुद्रा है केनियन शिलोंग, दोस्तों भाषा है स्वाहली और अंग्रेजी, कॉलिंग कोड है 254। दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी जो कमर्शियल सिटीज़ हैं उनके भी कॉलिंग कोड मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कैरन का कॉलिंग कोड है 2, नैरोबी का कॉलिंग कोड है 2 और थाइका का कॉलिंग कोड है 151। दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं, दोस्तों सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट केनिया में बहुत डिमांड है। दोस्तों जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है दोस्तों, एक्सरे की मशीन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, टेस्टिंग की मशीन है, टेस्टिंग की जितनी भी मशीनें हैं केनिया में काफ़ी डिमांड है। दोस्तों मास्क है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल ग्लव्स है, इसकी काफ़ी डिमांड्स है दोस्तों, तो आप केनिया में इसको एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। दोस्तों अगर आप जैसे दोस्तों मेडिकल फील्ड में चेयर यूज़ होती है, किसी की स्पाइनल में कोई इंजरी होगी तो चेयर यूज़ होती है, या आपके नेक में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक पैड, तो ऐसी कोई भी चीज़ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप केनिया में काफ़ी डिमांड है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको केनिया के बारे में बताया दोस्तों, सी पोर्ट्स है दोस्तों, मुम्बासा सी पोर्ट्स दोस्तों, अगर आप बाय सी पोर्ट्स के थ्रू भिजवाते थे दोस्तों, एयरपोर्ट्स है नैरोबी विल्सन एयरपोर्ट्स दोस्तों, किसुसु इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मुम्बासा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जोमो कनाटा, मैं दोबारा एयरपोर्ट्स के नाम बता रहा हूँ दोस्तों, नैरोबी विल्सन एयरपोर्ट्स, किसुसु इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मुम्बासा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और दोस्तों जोमो कनाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की होलसेल मार्केट्स है वो है कनाटाई, जो होलसेल मार्केट है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की केनिया में, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा होलसेल मार्केट्स का जो है सामान आप बेच सकते हैं। दोस्तों हमारी भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों, हमारे 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड कीजिए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। दोस्तों हमेशा याद रखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जब आप शुरू करें तो आपके पास पैसा हमेशा कम होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपके पास दोस्तों पैसा ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, तो दोस्तों होगा क्या, आप हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पैसे का यूज़ करेंगे, जिससे पैसा धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा और आपका जो मार्जिन है, बेनिफिट्स है, वो कम होता जाएगा, एटलीस्ट आप लॉस में जाएंगे दोस्तों। इसीलिए हमें जैसा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, पैसा कम होना चाहिए, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस ग्रो करेगा। आप हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू जुड़े हैं दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम बेझिझक स्क्रीन पे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों पुराने वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, 190 कंट्री के बारे में भी हमने बता रखा है, बहुत अच्छी नॉलेज दे रखी है। यूरोप में आप अपनी कंपनी कैसे खोल सकते हैं ये भी बता रखा दोस्तों, केनिया में आप कंपनी कैसे खोल सकते हैं तो ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।